अपना करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आज है रम झाझर में। बिलासपुर शहर के NH-30 रायपुर रोड पर बने भोजपुरी टोल प्लाजा में कर्मचारियों को उनके ही कंपनी के जनरल मैनेजर मैडम द्वारा जातिगत भेदभाव व अपशब्द कहकर कुछ दिनों से काफी प्रताड़ित किया जा रहा है और कर्मचारियों से चाहे वह लड़का हो या फिर लड़की GM जनरल मैनेजर के द्वारा बॉडी मसाज के लिए बुलाया जा रहा है। आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार जो व्यक्ति आने से मना करता है उसे जातिगत अपशब्दों से प्रताड़ित किया जा रहा है। कर्मचारियों ने बताया कि हम SC/ST वर्ग के हैं जिसके कारण ये हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और अन्य समाज के लोग जो यहाँ पर कार्यरत हैं उनसे किसी भी प्रकार की दुर्भावना नहीं की जाती। हमेशा हमें टारगेट कर सतनामी लोग बुरे होते हैं और तुम लोगों की औकात क्या है, तुम लोग जो मुंह खोलोगे तो काम से निकाल दूंगी, इस तरह से धमकियां दी जाती है। और इस दौरान हद तो तब हो गई जब वे टोल प्लाजा के 70-80 कर्मचारियों के द्वारा इसका विरोध किया गया तो उन्हें ऑफिस में ही रिवॉल्वर दिखाकर धमकाया गया। सब बच्चे भोजपुरी टोल प्लाजा बिलहा विधानसभा के अंतर्गत है, वहाँ पे हम लोग सब काम करने वाले कर्मचारी हैं जिसके साथ दबाव पूर्वक और जातिवादी फैक्ट्री से उन लोग दबाव पूर्वक काम करवाते हैं। कभी किसी बच्चे को थप्पड़ मारना, हाथ पैर मालिश करवाना या पानी पीने से रोक लगाने के लिए किचन में ताला लगा दिए गए थे। इसके प्रति हम लोग आंदोलन किए, इस समस्या को उस टाइम पे तत्काल में लिया गया। उसके दौरान फिर हमारे को ड्यूटी दो कुछ समय किए कराया गया, उसके बाद फिर हमारे को दबाव पूर्वक काम कराते हुए नौकरी से निकाल दिया गया है। जनरल मैनेजर मैडम सुषमा रावत के द्वारा पिछले 6-7 महीनों से प्रताड़ित किया जा रहा है और 3 दिन पहले ही 70 कर्मचारियों को बिना कारण बताए काम से निकाल दिया गया, जिसके विरोध में बिलासपुर शहर के सरकंडा स्थित अनुसूचित जाति कल्याण थाना पहुंचकर FIR दर्ज कराया गया है, जहां प्रभारी रंजीत सिंह कंवर के द्वारा आश्वासन भी दिया गया है कि छानबीन में यदि दोषी पाया गया तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कर्मचारियों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अभी हम SP सर को ज्ञापन देने जा रहे हैं, यदि दोषियों के ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले समय में जिला स्तरीय व प्रदेश स्तरीय विरोध प्रदर्शन कर कलेक्टर साहब के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। आपको बता दें कि इस दौरान टोल प्लाजा में अक्सर दुर्व्यवहार देखा जाता है। वैसे तो टोल प्लाजा के ठेकेदारों को टेंडर के माध्यम से यह कार्य प्राप्त हुआ है, परंतु आए दिन इनकी दादागिरी देखी जा रही है। दिन प्रतिदिन टोल टैक्सों को लेके बगैर नियम कानून के अंधाधुंध रूप से पैसों को बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही टोल प्लाजा में रुकने वाले अधिकारी, कर्मचारी या फिर किसी भी वर्ग के आम नागरिक के साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जाता है। बहरहाल कर्मचारियों के ऊपर की जा रही इस प्रकार की दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई के बाद प्रशासनिक रूप से किस प्रकार से इन पर कार्रवाई की जाती है, यह तो देखने वाली बात होगी। अभी भोजपुरी टोल प्लाजा के वहाँ काम करने वाले स्टाफ वाले शिकायत लेके आए हैं कि वहाँ का GM सुषमा रावत ये स्टाफ वालों को परेशान करता है और परेशान करके अभी काम से निकाल दिया है। ये पूरे स्टाफ शिकायत लेकर आए हैं, इनकी शिकायत पर बकायदा जाँच की जाएगी, जाँच कर वैधानिक कार्रवाई किया जाएगी। कार्रवाई होगा, जो भी जैसे हम जाँच पाएंगे कार्रवाई करेंगे। एक दो दिन तक यहाँ पे कार्रवाई किया जाएगा करके बोले, एक दो दिन में हम लोग इनका निराकरण कर देंगे। बिलासपुर समीत पाटले की रिपोर्ट, RJ रमझाझर।